हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के दोस्तों इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, देखिए क्या क्या कुछ कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आज इस पर्टिकुलर सेशन में किस तरीके से सेल्स काम करते हैं, कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, किस हिसाब से वो काम कर पाते हैं, उसमें से हम कितनी एनर्जी निकाल पाते हैं, है ना, कौन से फॉर्मूले से निकाल पाते हैं, कितनी निकलेगी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, है ना, ये सारी बातें करने वाले हैं। सो मेरा नाम है संदीप सिंह। आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर, एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, किरोड़ीमल कॉलेज। हाँ, 7 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, एक्स फैकल्टी ऑफ AK विद्या मंदिर, एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी, IIT जेम रैंकर, NERJRF क्वालिफाइड और बाकी सारा आप पढ़ लीजिए। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई साहब, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पूरा मिला जुला के इस पूरे चैप्टर में क्या करते हैं, एनर्जी का अल्टी पल्टी करते हैं। हाँ, क्या मतलब एनर्जी का अल्टी पल्टी करते हैं, हमने किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। केमिकल को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और जिस डिवाइस की हेल्प से ये काम हो रहा है उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, उसको बोलेंगे वोल्टेइक सेल। ओके, दूसरा काम भी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी कभी अपन लोग केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं, इंडस्ट्री तो कर ही रही होती है यार। जब कभी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे सेल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। हम एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं। हाँ यार, कन्वर्जन ही करेंगे, लॉ पढ़ा है ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉग हमें ये बाइंड कर देता है कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, तो अगला वाला लाइन भी पढ़ा होगा, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम वही तो कर रहे हैं, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, दूसरे फॉर्म से इस वाले फॉर्म में जा रहे हैं। हा? बात करते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से हम लोग ये काम कर पाते हैं, ये बड़ा गजब का काम किस तरीके से हम कर पाते हैं। अच्छा, क्यों जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये चैप्टर क्यों जरूरी है, क्यों हमारे सिलेबस में आ गया। भैया बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल हम लोग लगभग हमारा 20-40% काम ना इन्हीं सेल्स की वजह से ही हो पा रहा है। जैसे कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे, कहीं भी देख रहे हैं ना, वो सब किससे चलता है, मोबाइल फ़ोन आपका कैसे चलता है, लिथियम आयन बैटरी से। आपका लैपटॉप कैसे चलता है, बैटरी से, है ना। तो यार ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। इवन कि हम लोग हमारी वॉचेस में, हम जितनी भी चीज़ें, टॉर्च हो गया, ये सब चीज़ों में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। हम इनका यूज़ इंडस्ट्रीज में मास लेवल में करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ गई, कोटिंग करनी है, गोल्ड फॉयल चढ़ानी है या फिर एफी की कॉपर की फॉयल चढ़ानी है, कुछ भी करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसी के ऊपर, किसी दूसरे चीज़ का एक पतली सी प्लेट चढ़ानी है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जो सेल, जिस सेल में से दोस्तों हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलवा पाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा पाते हैं, नोन एज गैल्वेनिक सेल। इसकी दूसरी खास बात यह है कि ये हमेशा से ड्राइव करता है अपनी एनर्जी कहां से, भाई इट ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मतलब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, बोले सर हमने ना स्पॉन्टेनियस ही नहीं सुना, क्या होता है ये स्पॉन्टेनियस, हमको नहीं पता, पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए 11th क्लास में। भाई साहब 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में सबसे पहली बार आपका आया होगा, आपको मिला होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोई बात नहीं, बोले सर हम ना घूम रहे थे उस दिन, हमें ज़्यादा पता नहीं चला, हम बाकी कामों में व्यस्त थे,
कोई बात नहीं दोस्तों, अभी इधर व्यस्त होना, व्यस्त रहना, मैं बताऊंगा आपको कि ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बताऊंगा बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैं अभी बता के आया हूं आपको। इसमें दोस्तों हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस, कौन सी याद रखें, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं, और इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए एक हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हम आउटसाइड से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स लाइक डीसी बैटरी या समथिंग लगाते हैं। मतलब हम लोग बाहर से कुछ एनर्जी यार लगा रहे हैं, हम लोग बाहर से डीसी बैटरी या फिर कुछ ऐसा सोर्स लगा रहे हैं, तभी जाके ये रिएक्शन हो पाती है, अदरवाइज तो ये रिएक्शन नहीं होती, ये प्रोसेस ही नहीं होता। बोले ठीक है सर, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में से हम एनर्जी निकाल पाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा ना, दो चीजें होती हैं दोस्तों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में से हम लोग एनर्जी निकलवा पाते हैं, निकाल पाते हैं, ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्या होता है ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो देखिए यहां पर एक स्लाइड में, यहां पर देखिए बच्चे, एक रम ऊपर है, हिली एरिया है थोड़ा सा, ये कौन सा हिल है यार, मतलब ठीक ठीक थोड़ी ऊंचाई है, थोड़ी ऊंचाई से एक पत्थर जो है कि वो नीचे आ रहा है। अगर वो ऊपर से बच्चे पत्थर नीचे आ रहा है, तो क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ किया हुआ है, वो तो अपने आप ही ऊपर से नीचे आ रहा है, हम इसमें कहाँ कुछ कर रहे हैं, वो बेचारा वहां पर खड़ा है, ये तो अपने आप ही मूव कर रहा है, वो बहुत अलग है, थोड़ी देर बाद उसका अस्तित्व मिट जाने वाला है, बेचारा इतना पतला सा है, और ये देखिए इतना मोटा सा पत्थर आ रहा है, तो अस्तित्व तो खत्म हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, वो वैसे भी खत्म ही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, जो कि ऊपर से पत्थर खुद ब खुद नीचे आ रहा है, वो सारे प्रोसेस जो कि खुद ब खुद हो जाए, मतलब द प्रोसेस विच अकर बाय इटसेल्फ और वन टाइम हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ठीक है, ओके। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में से हम लोग कुछ एनर्जी निकलवा पाते हैं, और उसको हम लोग कहेंगे कि यस, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी। बोले सर ना हमको ना गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं पता, हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी नहीं पता था और गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं पता, वो ही बताओ यार। देखो, इट इज द मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिस्टम या फिर पर्टिकुलर प्रोसेस, यूजफुल एनर्जी जो कि हम लोग विड्रॉ कर पाते हैं। ये अगर नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उस प्रोसेस में से हम कुछ निकलवा पा रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, ठीक है, ओके, क्लियर। अरे देखो, जैसे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हुआ होता था ना, उसमें से भी एनर्जी निकलती थी, हीट निकलती थी, तो मतलब नेगेटिव में कहते थे, हाँ, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसमें हम कुछ उससे एनर्जी वर्क निकलवा सकते हैं, एनर्जी निकालवा सकते हैं, अपने यूजफुल काम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं काम में अपना यूज लगा सकते हैं, तो उसको कह लेंगे कि डेल्टा जी उसका नेगेटिव है, क्लियर, ओके। किसी प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ जाए, किसी प्रोसेस में हमको एनर्जी देनी पड़ जाए, जैसे देख रहे हो यहाँ पर ये बॉल पड़ा हुआ है दोस्तों, नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, अभी इसको ऊपर चढ़ाना है, अभी नीचे पड़ा हुआ है, इसको ऊपर चढ़ाना है बॉल को। क्या ये रखे रखे अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, मुझे बताओ, एक दिन रखो, दो दिन रखो, तीन दिन रखो, तीसरे दिन के बाद बॉल ही गायब हो जाएगी, कोई और उठा ले जाएगा। तो ये जो बॉल है ना, वो अपने आप ऊपर नहीं चढ़ने वाली भाई, इसको अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, या फिर इसमें इतनी एनर्जी फिलअप करनी होगी कि ये ऊपर जा पाए। इट मीन्स बॉल को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है भाई साहब, जितनी एनर्जी देनी पड़ गई ना, उसी को बोलते हैं डेल्टा जी, इसका पॉजिटिव में हो गया, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल है। उसी हिसाब से दोस्तों कुछ रिएक्शंस भी होती हैं, कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो स्पॉन्टेनियस है, लाइक वो खुद ब खुद हो जाएंगी, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसे रिएक्शन है यार कि उनको वो हो जाए, उसके लिए हमको ना अपने एफर्ट लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल वायर लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन होती हैं। वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और वो सारी रिएक्शन कहाँ पे यूज होती हैं, कहाँ पर यूज होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्लियर।
आइए बात करते हैं कि कैसे हम लोगों के दिमाग में आया, कैसे हमारे दिमाग में ये बात आई कि यार हम हमारे केमिकल फॉर्म में भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है, इन केमिकल्स के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, कैसे ये दिमाग में आई होगी बात। तो देखिए, एक टेंथ क्लास में बहुत सिंपल सा हम लोग एक रिएक्शन किया करते थे, एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि क्या करते थे, कॉपर का इस तरीके से देखिए ये जो है ना बीकर में दोस्तों कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है भाई, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, कॉपर टू प्लस का कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर टू प्लस का कलर होता है ना, उसकी वजह से ब्लू होता है वो दोस्तों, किस तरीके का होता है, हाँ ब्लू कलर होता है। अभी वो कॉपर टू प्लस में ना हमने क्या रखा, जिंक की प्लेट रखी है। अबे यार जिंक ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है, पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है। तो जैसे हम लोग जिंक की एक रॉड उसमें प्लेस करते हैं, जिंक की दोस्तों एक रॉड उसमें प्लेस करते हैं, जिंक दो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे देता है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को देके कहता है भाई कॉपर आप एक्वस सॉल्यूशन में हो, कृपया करके आप जरा आराम करिए, हम आते हैं, आप जरा आराम करिए, सॉलिडिफाइड हो जाइए, कहीं चुपचाप से बैठ जाइए और हम आते हैं रोल में, हम आते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इस तरीके से दोस्तों ये दो इलेक्ट्रॉन देके एक्वस सॉल्यूशन में जिंक घुस पड़ता है, और बेचारा जो सॉल्यूशन में था एक्वस कॉपर टू प्लस, कॉपर टू प्लस जो सॉल्यूशन में था उसको निकाल के अलग वो डिपॉजिट करवा देता है उस चीज को। दोस्तों ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने यहां पर कोई भी केमिकल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी है, ये खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस, बस आपको करना क्या है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें जाके बस जिंक की एक रॉड डाल देनी है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। कलर चेंज हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, जो भी ब्लू कलर था वो दोस्तों इसकी वजह से था, कॉपर टू प्लस की वजह से था, कॉपर टू प्लस का क्या बना दिया हमने, कॉपर बना दिया, जाके डिपॉजिट हो गया, देखो कॉपर जाके ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो गया, वो ब्लू कलर सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, क्लियर हुआ बात, कलरलेस हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, इट सिग्निफाइज की ये रिएक्शन हो रही है, कॉपर टू प्लस को दो इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं तो वो कॉपर बन जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, सिग्निफाइज। पर उसके साइड में ना यार कुछ और इंपॉर्टेंट सी चीज निकली जिस पे साइंटिस्ट का लोगों का ध्यान गया, बड़ी जबरदस्त सी चीज निकली। ये काम करते करते उनको लगा कि यार ये ना पूरा का पूरा मिक्सचर जो है कि गर्मा गर्म हो गया, मस्त गर्म हो गया, इसमें से एनर्जी निकलने लगी, इसमें से क्या निकलने लगी दोस्तों, इसमें से एनर्जी निकल, हीट निकलने लगी, क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो उनका दिमाग खनका एकदम से मस्त तरीके से, हीट निकल रही है, कोई रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से हीट रिलीज हो रही है, क्या क्या उस हीट को हम लोग अपने काम में, किसी दूसरे काम में या फिर किसी ऐसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं जो कि है ना हमारे लिए यूजफुल हो, जैसे कि हम क्या उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिमाग में बात में आई, दिमाग बात में आई। उनको ये तो पता ही था कि वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, तो उन्होंने सोचा यार इस केमिकल रिएक्शन में देखो कितनी एनर्जी रखी हुई है, कि रिएक्शन तो हो ही रही है उसमें हीट भी रिलीज हो रही है, हमें उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और अपने काम में लाना है। यही काम किया उन लोगों ने, कैसे किया होगा दोस्तों, देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था भाई, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे थे, समझो ना ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा था, बताता हूं देखो क्या होता था। यहां पर ना ये जिंक का प्लेट है, देखिए देखिए देखिए, ये जो एक प्लेट है वो जिंक की है यार, ये जो चीज रखी हुई है वो जिंक की है। अब कॉपर टू प्लस यहां पर है, ठीक है, डायरेक्ट जाता है कॉपर टू प्लस जिंक के पास, यहां पर देखो ये मैं कलर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, ये लगे चलो देखते हैं कैसा है। तो ये जिंक यहां पर ये रॉड जो है वो जिंक की है, कॉपर टू प्लस इसके पास डायरेक्टली जाता है और दो इलेक्ट्रॉन लेता है, देखो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और कॉपर साहब यहाँ पर डिपॉजिट हो लिए, जिंक साहब अपने आप मीडियम में चले गए, वो जाके यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद जिंक का बन जाता है जिंक टू प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन लेके वो जो कॉपर साहब होते हैं ना वो दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं कॉपर सॉलिड बन के, ऐसा हो रहा होता है। ये जो ट्रांजिशन है वो ऑफलाइन चल रहा है, बिल्कुल हैंड टू हैंड मस्त तरीके से, ये ले बेटा दो इलेक्ट्रॉन, तुम बैठो हम आते हैं, साथ में जो एनर्जी निकली वो अलग, हमको एनर्जी मिल ही नहीं पा रही थी, हमने कहा नहीं 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 गलत बात है, हम इसको ऑनलाइन करेंगे,
ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, टैक्स कट ही नहीं रहा है। टैक्स काटना था हमें, हमें एनर्जी लेनी थी, वो हीट एनर्जी लेनी थी जो हम ले नहीं पा रहे थे। बस जी एक अपैरेटस लगाया गया, देखो कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ अपैरेटस उन्होंने सेट किया, और इस अपैरेटस के थ्रू बड़ी चालाकी के साथ हम मजबूर करते हैं, देखिए समझिए करते क्या है कुल मिलाकर के, हम उन दो इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर, जिंक को और कॉपर टू प्लस को मजबूर करते हैं कि उनके जो ट्रांजेक्शन है ना यार, वो डायरेक्ट ना हो, वो ऑनलाइन हो, मतलब किसी वायर के थ्रू हो। जब वो ऑनलाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, बस उसी वक्त हम उनका टैक्स काट देंगे, मतलब उससे एनर्जी कुछ ना कुछ ले लेंगे। आइए बात करते हैं कि क्या करते हैं हम लोग। देखो यार एक सॉल्यूशन हमने पहला रखा हुआ है इस तरीके से, और इसमें हमने ना जिंक सल्फेट रखा हुआ है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ना, ये जिंक सल्फेट रखा हुआ है। जिंक सल्फेट का मतलब होता है जिंक 2 प्लस, मेन बात है जिंक 2 प्लस, और सल्फेट आयन तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन में पड़ा होता है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक की इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जिंक की बस एक रॉड उसमें डाल देते हैं, जिंक की रॉड उसमें ऐड कर देते हैं, और एक वायर के थ्रू इस तरीके से एक दूसरा सेल भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यार कॉपर टू प्लस होता है, कॉपर सल्फेट, सल्फेट भी होता है, तो कॉपर टू प्लस मेन है हमारा। कॉपर टू प्लस जो है वो उस सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड प्लेस करी होती है। ये भी कॉपर है भाई, ये भी कॉपर, ये देखो ये कॉपर है, कॉपर है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड प्लेस करती है, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड प्लेस करती है। अब समझ पा रहे हो हमने करना ट्राई क्या किया है, हमने कोशिश करी है कि जिंक अलग चैम्बर में और कॉपर अलग चैम्बर में, ताकि दोनों का डायरेक्ट संबंध ना हो, संपर्क ना हो पाए। ये लोग जो भी बात करें, जो भी कुछ करें, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, वो सब ऑनलाइन हो जाए, हमारी ये कोशिश है, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, देखो 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 होना ये था, जो पिछली बार हो रहा था वो क्या हो रहा था दोस्तों, उसमें जिंक जो था वो कॉपर टू प्लस को दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था, और खुद तो कन्वर्ट हो जाता था जिंक टू प्लस बनके, और कॉपर बेचारा इस तरीके से रह जाता था। होता ये था, जिंक कॉपर टू प्लस को दो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, क्या जिंक कॉपर टू प्लस को दो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। बहुत इजी काम है यार, यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, बट ऑनलाइन मोड से। ये रहा जिंक, ये रहा भाई साहब जिंक, और यहां पर है आपका कॉपर टू प्लस। देखो ये है आपका कॉपर टू प्लस, इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से निकलेंगे और कॉपर टू प्लस तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे देखो, जरा देखिए, जिंक क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले ना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद खुद चला जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है दोस्तों, Zn है। जिंक का इलेक्ट्रोड अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, निकालता है, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरीके से रखवा देता है, और खुद कूद पड़ता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, दो इलेक्ट्रॉन इसने डिपॉजिट कर दिए। वैसे ही बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे जिंक यही काम करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन देके खुद सॉल्यूशन में आ जाएंगे, खुद सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, ये इलेक्ट्रॉन जो है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के थ्रू होते हुए इधर बढ़ेंगे, इस वायर के थ्रू होते हुए देखो यहां पर इस तरीके से बढ़ेंगे, और इस तरीके से बढ़ेंगे। क्यों बढ़ रहे हैं दोस्तों, किसको मिलना है इनको, ये टू इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बढ़ते 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 कहां पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे। ये टू इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों यहां पर पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ना सब यहां से मूव करेंगे, चलते 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 यहां पर आ जाएंगे, और इधर आते के साथ ही ये कॉपर टू प्लस मोबाइल खड़ा था, हमारे लिए आ रहे हैं वो, हमारे लिए आ रहे हैं वो, भूखे टू प्लस कॉपर टू प्लस फटाफट जाके इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेंगे, और वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरीके से डिपोजिशन हो जाता है बच्चे कॉपर का, क्योंकि जितना भी सॉल्यूशन में कॉपर टू प्लस घुला होता है वो जाकर डिपॉजिट हो जाता है, यही होता है। अच्छा बोले सर ये तो पहुंच गया पहुंच तो गया, पर देख रहे हो बीच में हमने क्या लगाया था, हम भी टैलेंटेड इंसान है भाई, इसीलिए तो इतनी मेहनत करी थी कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन दे पर इस वायर के थ्रू दे। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू होके जा रहा था दोस्तों, हमने भी बीच में ये बल्ब लगा दिया, और बल्ब कैसा, बल्ब
इन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करता है, क्या करता है बच्चे, इनको ये मजबूर करता है कि ये इसकी हाईली रेजिस्टेंट वायर के थ्रू होके जाए। बच्चे ये हाईली रेजिस्टेंट वायर होती है जो कि इस पाथ पर चलते, जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है। ये बच्चे इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे चलते 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 देख रहे हो, इनका सारा रस चूस जाती है, जैसे कि सारी एनर्जी इनकी खत्म कर देती है। ये रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट पाथ के थ्रू होके पास होता है और अपनी सारी एनर्जी यहाँ पर बर्बाद कर चुका होता है, सारी दे चुका होता है, ठीक है। और जब थोड़ी बहुत बच गई तो फिर वो यहाँ पर देखो पहुँच गया। हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा दोस्तों, एक बात सुन लो, हमने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को रोका नहीं है, हम तो जाने दे रहे हैं यार, हमें इलेक्ट्रॉन को खाना पीना थोड़ा ना है, हमें तो उनकी एनर्जी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन हो, तुम्हें जिंक से निकल के कॉपर के पास जाना है, जाइए, हम मना नहीं करेंगे, बस जो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी है वो देते जाइए हमें, हम बस इतना काम करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा होता है तो उसके पास जो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी होती है जो कि हीट फॉर्म में कन्वर्ट होती थी, वो सब हमने यूज कर लिया इधर, और फिर इलेक्ट्रॉन को जाने दिया। देखो इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है, पहुंच तो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो बीच में हमने दोस्तों बल्ब लगा दिया ना, यही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विड्रॉ कर लेता है, यही इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ओके सर, बोले सर समझ में तो इतना आ गया है, बेसिकली चीज क्या हो रही है वो क्लियर हो गया है, क्लियर हुआ ना पक्का। ओके अब यार देखो, कोई किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए ना एक क्लोज पाथ बहुत जरूरी होता है। आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। यार इधर भी नहीं है, देखो तो सही ध्यान से, इधर भी नहीं है, देखो ना यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की जर्नी स्टार्ट हुई थी, देखो 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 ये पूरा ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे गया, फिर सॉल्यूशन भी है तो सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और फिर सॉल्ट ब्रिज के थ्रू देखो कनेक्शन पूरा बनाया गया है, देखो कनेक्शन पूरा बनाया गया है। तो ये क्लोज सर्किट हो गया है दोस्तों, क्लोज सर्किट होना बहुत जरूरी है, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ये दिलाने के लिए हमारा इस सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। और आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सर्किट क्लोज है, यहाँ से स्टार्ट करो 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 करो, देखो ऐसे ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, और फाइनली आप इस तरीके से क्लोज हो जाते हो, सर्किट क्लोज हो जाता है। ओके डन, समझ में आया कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके सो नेक्स्ट, बोले सर इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं यूज़ करते हैं हम लोग। इस जो हमने दो डब्बे लिए थे यार, पहला डब्बा लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा डब्बा राइट हैंड साइड में लिया था ना हमने, तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एनोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। बोले सर ऐसा क्यों बोला हमने, इसको एनोड क्यों बोला? और इस वाले को दोस्तों बोलते हैं हम लोग कैथोड। बहुत ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड पे क्या की स्पेशलिटीज क्या होती है, किसको एनोड बोलेंगे? तो वो सारे हाफ सेल्स, वो सारे लाइक वो डब्बे, हाँ वो सारे हाफ सेल्स जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वो सारे हाफ सेल्स जहां पर ऑक्सीडेशन होता है नोन एज एनोड। जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा आप उसको एनोड कहेंगे। कृपया करके ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत करिएगा कभी कि सर जहां नेगेटिव होता है उसको एनोड बोलेंगे या फिर जहां पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलेंगे, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। अभी इस वाले सेल में जो नेगेटिव टर्मिनल था वो एनोड था, परंतु अभी दूसरे वाले सेल में दोस्तों जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड बन जाता है। तो इस चीज से कंफ्यूज ना करिए, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, एनोड वो टर्मिनल होता है जहां पर हमेशा से ऑक्सीडेशन होता है। बोले सर हमें तो ऑक्सीडेशन ही नहीं पता। हाँ पता ही होगा आपको, वैसे मैं फिर बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है समझ लो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि यार देखो एजी है, एजी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, देखो ना एजी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और खुद एजी प्लस बन गया, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, देखो निकाल दिया अपने अंदर से, तो ये ऑक्सीडेशन है।
ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, जैसे कि एजी से एजी प्लस जा रहा है, जिंक से जिंक टू प्लस जा रहा है, एच टू मतलब एच टू का मतलब है जीरो पे, जीरो से वो प्लस वन पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सारी रिएक्शंस जिस भी इलेक्ट्रोड पे होंगी हम उसको एनोड बोल देंगे, आंख बंद करके, नहीं यार आंख खोल के, ठीक है। कैथोड, कैथोड की क्या स्पेशलिटीज है? अबे यार एनोड पता चल गया तो उसी से देख लो कैथोड क्या होना चाहिए है? तो कैथोड में यहां पर क्या होना चाहिए बच्चे, तो इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, हमेशा से रिडक्शन होता है, हमेशा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार जिस भी प्रोसेस में ना अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है समझ जाओ कि वो रिड्यूस हो रहा है, समझ जाओ वहां पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि देखो कॉपर टू प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। सीई फोर प्लस क्या कर रहा है, सीरियम फोर प्लस क्या कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन कर रहा है। एफ टू दो इलेक्ट्रॉन लेके टू एफ बनाएगा, टू एफ माइनस क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। डन, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। यार देखिए अभी बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, हमने रिडक्शन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि एनोड कैसे किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया कैथोड किसे कहते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। दो टाइप का दोस्तों, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वोल्टेज दैट एन इलेक्ट्रोड इज एट, ठीक है। दिस हैज टू बी मेजर्ड वर्सेस अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको मैं कवर करूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। हाँ, ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टू टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज वॉट, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन तो फिर भी ठीक था, रिडक्शन तो फिर भी ठीक था, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? डिफिकल्ट है क्या? ना ना ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है भाई, बहुत सिंपल चीज है। देखिए बस फ्लो में देखिए देखिए देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। डन, बस इतना था, बस इतना था। क्या कोई इलेक्ट्रोड कितनी टेंडेंसी रखता है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देने की, टू इलेक्ट्रॉन दे देने की इन एक्वस सॉल्यूशन में, बस इतना था दोस्तों। जैसे कि यार जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिया था ना, याद करो, अभी भी दिया था यार थोड़ा पिछले वाले एग्जांपल में, तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिया था उसकी, बट उसकी कुछ टेंडेंसी रही होगी, कितने वोल्टेज के हिसाब से उसने दिया था, कुछ तो टेंडेंसी रही होगी ना। जो भी टेंडेंसी थी उसको हम लोग मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसको वो हमारा निकल के आता है 0.76 वोल्ट। कितना? 0.76 वोल्ट। ये होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। सिमिलरली एल्यूमिनियम या फिर कोई भी एलिमेंट ले लो, एल्यूमिनियम अपने तीन इलेक्ट्रॉन का जो लॉस कर रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर रहा है, वो किस हिसाब से कर रहा है, किस पोटेंशियल से कर रहा है, नॉन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। इसी हिसाब से हम दूसरे कई सारे कई हर चीजों का निकाल सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का किसी का मन कर जाए, बेरिलियम का मन कर जाए, बोरोन के लिए मन कर जाए, लिथियम के लिए मन कर जाए, किसी भी चीज के लिए मन कर जाए, तो बस उसका निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी निकाल लीजिए। दिस इज व्हाट नॉन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आया? पक्का? चलिए देखिए, बहुत सिंपल चीज है। व्हाट अबाउट दिस रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होता है भाई? अरे यार ऑक्सीडेशन बता दिया है, रिडक्शन भी आ ही जाएगा, उसका अपोजिट और क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन इन द सॉल्यूशन टू पिक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओन इलेक्ट्रोड एंड टू बिकम रिड्यूस, इलेक्ट्रोड एंड टू बिकम रिड्यूस। मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर आयन या फिर कोई भी चीज़ है उसकी क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन ले लेने की, इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन ले लेने की टेंडेंसी को बोलते हैं दोस्तों रिडक्शन पोटेंशियल। बस इतना सा है, सिंपल है ना। तो इलेक्ट्रॉन ले लेने की जो ये टेंडेंसी होती है इसी को बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि इसके इलेक्ट्रॉन ले लेने ले लेने की टेंडेंसी देखिए कितना लिखा हुआ है, 0.8 है ना, और इस एक का इलेक्ट्रॉन ले लेने का पावर कितना है,
0.34 वोल्ट, डन ना, इतना सा है बस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ रहा है क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इस पर्टिकुलर में देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। बोले सर ये सीरीज क्या होता है? तो ये ना दोस्तों, एक हमने सीरीज बनाई, टेबुलर फॉर्म में हर चीज़ को मैनेज किया हमने। हमने मैनेज किया कि यार कोई चीज़, किसी चीज़ का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना है, किसी और का कितना है, किसी और का कितना है, सारे मेटल्स को इस हिसाब से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या फिर रिडक्शन टेंडेंसीज के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी टेबल है जिसमें कि हमने अलग 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 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन ले लेने की पावर को अरेंज किया है, बस और कुछ नहीं किया। हम लोग गए एक लेबोरेटरी में और मेजर किया कि भैया इसके, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तीसरे का कितना है, हर किसी का मेजर करके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बस अरेंज किया हुआ है और कुछ नहीं किया। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, येलो कलर में टेबल दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपको पूरा ही मिल जाएगा। यहाँ पर आई थिंक आपके, आपको ये विजिबल हो पा रहा होगा। सो इधर क्या है कि आप देख सकते हैं लिथियम जो है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम प्लस जो है, एक इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम बनाएगा, पर उसकी टेंडेंसी कितनी है, -3.05। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी माइनस में है, आप समझ पा रहे होंगे, वो कोई भी अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दोस्तों इसकी माइनस में है। सिमिलरली जितने भी देखो मेटल्स होते हैं ना, देखिए सबकी मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लेने की पावर माइनस में ही है। इलेक्ट्रॉन लेने की पावर माइनस में ही है, देखिए इलेक्ट्रॉन लेने की पावर सबकी मेटल्स की माइनस में है। किसके रिस्पेक्ट में माइनस में है, बहुत जरूरी टर्म है ये, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर या फिर इलेक्ट्रॉन देने की पावर, मतलब और अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलूं तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई है? आंसर है, आंसर है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में की गई है दोस्तों। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज, ये सारा मेजरमेंट हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में हो रहा है। कोई एटम हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लेने की, कोई एटम कितनी ज्यादा टेंडेंसी रखता है हाइड्रोजन से, कितनी अच्छी टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लेने की, नॉन एज रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में इनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसीज क्या है, दीज आर वॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाया गया है, एंड दैट इज द रीजन दोस्तों कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की पावर क्या है, जीरो। हाइड्रोजन से जितने भी चीजें ऊपर हैं, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रही हैं, तभी वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लेने में महारत है, हासिल है, हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। सो दोस्तों ये देखिए आपकी रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड है, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होगा दोस्तों, नीचे से ऊपर जाते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड जो ये चार्ट है दोस्तों, ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्म हुआ है। कम ऑन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा टेबल रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्म हुआ है। हम ऐसा ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट मैम रुकिए।